विकास बहल के साथ काम करना एक्ट्रेस का ड्रीम हो गया है जी बिल्कुल, तो ये तो आपके लिए बहुत ही लकी रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए आपने उनके साथ काम किया, मेरी बहुत खुशनसीबी थी क्योंकि वो बहुत सिंपल इंसान भी है, बहुत अच्छे इंसान है जैसे हम जानते हैं। वो सिर्फ एक वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, आई थिंक वो क्वीन देखकर कोई भी कह सकता है या इवन चिल्लर पार्टी देखकर कोई भी, तो आई थिंक मैं इस तरह से खुशनसीब तो थी कि मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला। पर जब मैं उनसे मिली और जब हमारी इंटरेक्शन शुरू, मुझे रहा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत ही चिल्ड हैं, बहुत कंफर्टेबल डायरेक्टर हैं, जो आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप उनसे आराम से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो उनके साथ, और वो आपको हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे, और वो बहुत आपको बहुत स्पेस देते हैं अपने आप का कैरेक्टर डेवलप करने के लिए और चीज़ें उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आई थिंक मैं कभी ये फीलिंग्स नहीं है यार मेरे पापा हैं इसमें, मेरा भाई है सुपरस्टार, यू नो, कभी इस तरह की फीलिंग्स नहीं है आपको सेट पे जब जी? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई थिंक हम सेट या मुझे ऐसा क्यों कमर ही काम करना है, मेरी स्टार्टिंग फिल्म है, मुझे जो बोला जाएगा। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्शन हाउस से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे एक नॉर्मल न्यूकमर की तरह ही ट्रीट कीजिएगा, और आई थिंक उन्होंने पूरे उस बात पे खड़े उतरे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो किसी भी और इंसान को सेट पे ट्रीट कर रहे थे जो नया था। और आई थिंक मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं इस फिल्म की हीरो की बहन हूँ या मैं पंकज कपूर की बेटी हूँ, किसी ने मुझे कभी ऐसा फील करवाया ही नहीं। मैं हमेशा उस सेट पर सिर्फ सना थी। आपको भी फीलिंग्स नहीं है इस तरह से? बस मुझे काम करना है बस। हाँ मेरे लिए मुझे मज़ा आया क्योंकि हम सब काफ़ी करीब थे एक दूसरे के, तो कंफर्ट लेवल तो था ही सबके साथ, तो बस काम करने में बहुत मज़ा आया। पर नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं इसकी बेटी हूँ। इसकी किस तरह की फिल्में आगे करना चाहती हूँ यार? मैं सचमुच में कहूँ तो मैं सिर्फ अच्छा काम करूँ, मतलब पुरानी फिल्में अगर पकड़ ले या फिर हाल की कोई फिल्में, इतनी सारी फिल्में पुरानी फिल्मों में मैं अनारकली का रोल ज़रूर करना चाहूँगी, या फिर एक फिल्म थी मेरा साया जिसमें आपने कहा पुरानी फिल्में, तो मैं पुरानी फिल्में सोच रही हूँ। यहाँ सचमुच में कहूँ तो मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैं करना चाहूँगी। मैं हर तरह का काम करना, अच्छा काम करना चाहूँगी। मैं ऐसे किरदारों को जिंदा करना चाहूँगी जिनसे मुझे एक कनेक्शन फील होती है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंसिस तक मैं पहुँचाऊँ और उसे देखने का ऑडियंसिस को मौका दूँ, ऐसा काम करना चाहूँगी। इसके अलावा फिल्मों के अलावा क्या करने का ज़्यादा शौक है? कुछ भी नहीं आया, मुझे म्यूज़िक और डांस और इस समय बहुत दिलचस्पी है। मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ और ट्रैवलिंग, मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं इंडिया के बहुत सारे इंटीरियर्स में घूम चुकी हूँ और आई थिंक गाड़ियाँ लेके बस निकल जाना और लोकल लोगों के साथ रहना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक ऐसी सारी चीज़ें। अच्छा, दिन भर में कितनी बार इस समय वीडियो में गुलाबों वाला गाना सुन रही है?